नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको 13वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो। 13वां अध्याय में है, महाराज ध्रुव के कुल में राजा अंग के घर वेणु का जन्म लेकर अत्याचार करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। सूत जी बोले हे शौनकादि ऋषियों, अब हम आपको ध्रुव के वंश का वृत्तांत सुनाते हैं। ध्रुव के वंश में कई पीढ़ियों बाद एक अंग नामक राजा हुआ। उसके कोई पुत्र नहीं था। एक दिन उसने व्याकुल हो ब्राह्मणों एवं ऋषियों से कहा कि आप लोग मेरे लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे यहाँ पुत्र हो जाए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। तब ऋषियों ने राजा से पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ कराए और यज्ञ का महाप्रसाद राजा को देकर कहा कि हे राजन, इसे आप अपनी रानी को खिला दीजिए। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर राजा ने अपनी रानी सुनीता को वह प्रसाद खिला दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। उस प्रसाद के खाने से रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मण ने उस बालक का नाम वेन रखा। जब राजा ने उस बालक को शूद्र के समान कुरूप देखा और उसके घर भी बुरे प्रतीत हुए, तब उसने ब्राह्मणों से कहा, हे दुजवरों, हमारे वंश में सभी बालक रूपवान तथा धर्मात्मा होते आए हैं, अपितु तो यह ऐसा कुरूप और बुरे ग्रहों वाला क्यों हुआ है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। क्यों हुआ यह सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, तुम्हारी रानी ने यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करते समय अपनी माता मृत्यु एवं पिता अधर्म का ध्यान किया था, अतः वह बालक अपने नाना नानी के दृष्ट कुरूप और बुरे स्वभाव वाला पैदा हुआ है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। राजा इन वचनों को सुनकर पहले तो चिंतित हुआ, तत्पश्चात उसे ईश्वर इच्छा जानकर बालक का पालन करने लगा। बड़ा होने पर वेन एक दिन शिकार खेलने के निमित्त वन में गया तथा उन पशुओं को मारने लगा जिनको मारना पाप समझा जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। जिनको पाप समझा जाता है। यद्यपि राजा अंग ने ऐसे पशुओं को मारने के लिए पहले ही उसके पिता ने मना कर दिया था कि ऐसे पशुओं को नहीं मारना है, फिर भी वो नहीं माना। लेकिन उसने उनके कहने पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। कभी कभी वह नगर के बालकों को अपने साथ स्नान कराने के लिए नदी पर ले जाता था, उनको जल में डुबोकर मार डाल देता था। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। तो कभी वन में ले जाकर घुसे मार मार कर उनके प्राण हरण कर लेता था। इस तरह जब यह बहुत अत्याचार करने लगा, तब वहाँ की प्रजा ने राजा के पास जाकर सब हाल सुनाते हुए कहा, हे महाराज, तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को बिना अपराध के ही मार दिया है। प्रजा की ऐसी पुकार सुनकर राजा ने बेन को बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन वह उनके समझाने पर कोई ध्यान न देकर दुगना आतंक मचाने लग गया। तत्पश्चात एक दिन पुनः प्रजा के राजा के पास जाकर पुकार की कि हे पृथ्वीपति, आपका पुत्र अत्यंत ही अत्याचार कर रहा है, ऐसी दशा में हम आपके नगर को छोड़कर चले जाएंगे। यह सुनकर राजा ने पुनः बेन को बुलाकर डांटते हुए कहा कि तू व्यर्थ ही प्रजा को कष्ट मत दिया कर। राजा के डांटने पर बेन रुदन करता हुआ अपनी माता सुनीता के पास चल आया। उससे इस प्रकार कहने लगा, हे माता, राजा मेरा कुछ भी सम्मान न करके वे मुझे बिना कारण ही डांटते टपटते रहते हैं। इसलिए अब मैं घर को त्याग कर कहीं अत्यंत अन्यत्र चला जाऊंगा। बेन की माता सुनीता की भी अत्याचारिणी थी, इसलिए वह भी अपने पुत्र के ऐसे वचन सुनकर कहने लगी कि हे पुत्र, वृद्धावस्था आने के कारण तेरे पिता की मति भ्रष्ट हो गई है। वे जो कहे सो कहने दे और जो तू
तुझे अच्छा लगे सो तू कर। तदुपरांत रानी सुनीता अपने पति के से कलेश मचाने लगी। उस समय राजा ने अपने हृदय में सोचा कि स्त्री पुत्रादि के मोह में फंसकर मनुष्य परलोक को भी भूल जाता है तथा अच्छी बात समझाने पर भी उसे बुरा मालूम पड़ता है, इसलिए मुझे अपना जीवन व्यर्थ ही नहीं गंवाना चाहिए। मेरे पिछले जन्म का कोई ऐसा पाप उदय हुआ है कि जिससे मेरे यहाँ ऐसा अत्याचारी पुत्र उत्पन्न हुआ है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। अब यदि मैं उनके साथ रहूं तो उसके पाप करने से मुझे भी नरक भोगना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बीवी के अपनी रानी के साथ और अपने बेटे के साथ रहूंगा तो मुझे भी नरक भोगना पड़ेगा। जिसकी माता को ही धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है वो ज्ञान नहीं है भला वह अपने पुत्र भला उसका पुत्र पापी क्यों ना होगा। मुझे ऐसे अत्याचारियों के साथ में रहना उचित नहीं है क्योंकि बुरी संगति में रहने से कभी सुख नहीं मिलता है अब मेरे लिए चाहिए कि मैं वन में पहुंचकर श्री नारायण जी की तपस्या तथा ध्यान करूं। इस प्रकार दृढ़ विचार करके राजा सब सांसारिक बंधनों से विरक्त होकर वन में जाकर तपस्या करने लगा, परंतु उनके घर से निकल जाने का हाल कोई न जान सका। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो लक्ष्मीनाथ।